वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखी अर्थपूर्ण ईडियम्स के साथ के 204वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडियम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन स्प्लिट हेयर्स, नंबर टू स्पर ऑफ द मोमेंट। साथियों पहले ईडियम की चर्चा कर लेते हैं। स्प्लिट हेयर्स स्पेल आउट कर देता हूँ, SPLIT स्प्लिट, HAIRS हेयर्स। साथियों स्प्लिट हेयर्स का अर्थ होता है बहुत ही बारीक फर्क निकालना, चीजों के बीच बहुत ही छोटी छोटी एवं अनावश्यक बातों का फर्क निकालकर ध्यान केंद्रित करना, छोटी छोटी अनावश्यक बातों पर बहस करना, तर्क वितर्क करना, सरल शब्दों में कहें तो बाल की खाल निकालना। दोस्तों एग्जाम्पल इसके द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, दे डोंट हैव एनी सीरियस डिफरेंसेस, दे आर जस्ट स्प्लिटिंग हेयर्स। उनके बीच कोई गंभीर मतभेद नहीं है, वो सिर्फ बहुत ही छोटी छोटी एवं अनावश्यक बातों का फर्क निकालकर बहस कर रहे हैं। नंबर टू, डोंट वेस्ट योर टाइम स्प्लिटिंग हेयर्स, जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज। आप बहुत ही छोटी छोटी एवं अनावश्यक बातों पर ध्यान केंद्रित कर अपना समय खराब नहीं कीजिए, यह जैसे है उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। नंबर थ्री, ही वॉज ट्राइंग टू स्प्लिट हेयर्स वेन ही सेड दैट माई इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ऑफ ₹500.25, नॉट ₹500। वो बहुत ही छोटी एवं अनावश्यक बातों का फर्क निकालकर मुझसे तर्क वितर्क करने का प्रयास कर रहे थे, जब उन्होंने यह कहा कि मेरे बिजली का बिल ₹500.25 का है, न कि ₹500 का। नंबर फोर, आई एम नॉट स्प्लिटिंग हेयर्स, ही लिव्स इन लक्ष्मी बाई नगर, नॉट लक्ष्मी नगर। मैं बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूँ, वो लक्ष्मी बाई नगर में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में नहीं। दोस्तों अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पेल आउट कर देता हूँ, SPUR स्पर, OF ऑफ, THE द, MOMENT मोमेंट। साथियों स्पर ऑफ द मोमेंट या फिर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का अर्थ होता है उसी क्षण, तत्काल, बिना किसी पूर्व तैयारी के कोई निर्णय ले लेना या फिर कोई कार्य करना। दोस्तों एग्जाम्पल इसके द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, प्लीज डोंट टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। कृपया कर आप अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय उसी क्षण, तत्काल, बिना किसी पूर्व तैयारी के, ठीक से सोचे समझे बिना नहीं लिया कीजिए। नंबर टू, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आई रिजेक्टेड हिज मैरिज प्रपोजल। मैंने उसी क्षण, तत्काल, उनके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नंबर थ्री, आई डिसाइडेड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट टू गो टू नैनीताल फॉर वेकेशन। मैंने उसी क्षण छुट्टी मनाने के लिए नैनीताल जाने का निर्णय ले लिया। नंबर फोर, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ही एक्सेप्टेड न्यू जॉब ऑफर। उन्होंने उसी क्षण, तत्काल, बिना किसी पूर्व तैयारी के नौकरी के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोस्तों आपको आज का अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा सीखें, सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने अपनी अमर पंक्ति में कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना है को शूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।